लीप ईयर और ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब हम लोग देख रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस कैलेंडर और इसमें मेनली तीन केसेस बने थे जिनमें से जो दो केस हैं वो ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके थे और आज हम लोग तीसरा केस देखने वाले हैं और हमने रेफरेंस कैलेंडर का मतलब समझा था पिछले वीडियो में कि रेफरेंस कैलेंडर का मतलब आपको एक पहले से ही रेफरेंस के तौर पर एक डेट दे दी जाएगी और उसका दिन आपको पता होगा और उसी के रिस्पेक्ट में आपको किसी दूसरे दी हुई तारीख का दिन बताना होता है एक चीज़ ध्यान देना इसमें कि ये जो रेफरेंस डेट होता है इसका ये जो दिन होता है हो सकता है कि ये रियल कैलेंडर से मैच ना करता हो या हो सकता है कि ये रियल कैलेंडर से मैच करता हो राइट तो हमको इसी के रिस्पेक्ट में बताना है भले ही यहाँ पर आपको फ्राइडे लिखा हो या फिर सैटरडे लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं है राइट right? तो जो दो केसेस हमने पढ़े थे उसमें ये था कि वैन डेट एंड मंथ आर सेम ईयर आर डिफरेंट या फिर वैन डेट एंड मंथ आर डिफरेंट ईयर आर सेम बट यहाँ पर जो आपका तीसरा केस है कि वैन डेट मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट जब आपके डेट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 तारीख है और यहाँ पे 24 तारीख और मंथ भी आपका अलग अलग है दिसंबर और सितंबर और साल भी आपका अलग अलग है 2004 और 2016 तो ऐसे केसेस में हम कैसे दिन पता करेंगे कि कौन सा दिन आएगा किसी पर्टिकुलर दी हुई तारीख पे तो अगेन यहाँ पे हम लोग जो पहला और दूसरा केस पढ़े हैं उन्हीं का यूज़ करने वाले हैं और उन्हीं को मर्ज करने वाले हैं तो मेक श्योर sure कि आपको ये जो पहला और दूसरा केस है वो आपको अच्छे से पता हो राइट तो अगर आप प्रीवियस वीडियो का सहारा ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिएगा पहला दूसरा केस देखने के बाद ही आप इसको देखें अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा जैसा कि हमने पहला और दूसरा केस देखा था उसमें कि जब हमारे डेट और मंथ सेम होते थे लेकिन साल अलग अलग होते थे तो हम लोग सिंपली ये जो साल हैं उनका डिफरेंस पता कर लेते थे कि कितना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2004 और 2016 के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 साल का है राइट उसके बाद हम लोग इन सालों के बीच का लीप ईयर पता करते थे राइट तो 2004 से 2016 के बीच में कितने लीप ईयर हैं उनको यहाँ पे ऐड कर देते थे तो अगेन अब हमको कैसे देखना होता था लीप ईयर जैसे कि 2004 आपका लीप ईयर है लेकिन क्या ये लीप ईयर में काउंट होगा तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है पच्चीस दिसंबर 2004 से और कैलेंडर में हम आगे की तरफ जा रहे हैं 24 सितंबर 2016 की तरफ तो आप देख सकते हो कि 2004 में जो फरवरी का मंथ है वो ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है ठीक है फरवरी का मंथ पार करने के बाद यहाँ पे 2004 आया है और उसके हम आगे ही जा रहे हैं इसका मतलब फरवरी 2004 में आई ही नहीं तो इसको हम लोग लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही होता है फरवरी पे बेस्ड राइट तो जब फरवरी नहीं आ रहा है तो 2004 हमारा यहाँ पे लीप ईयर में काउंट नहीं होगा उसके बाद चार साल बाद आपका लीप ईयर आएगा दो में फिर चार साल बाद दो में फिर चार साल बाद दो में तो क्या ये जो दो है वो लीप ईयर में काउंट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चौबीस सेप्टेम्बर दो है और सेप्टेंबर का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर जब भी आओगे दो से दो तक तो इस 2016 के फरवरी को आप ज़रूर पार करोगे तभी तो आप सितंबर 2016 तक आ रहे हो राइट फरवरी को पार करते हुए तो इस 2016 को आप लीप ईयर में काउंट करोगे क्योंकि इसमें फरवरी आ रहा है राइट तो आपका 2008, 2012 और 2016 ये तीनों लीप ईयर हो गए तो यहाँ पे हम लोग तीन ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका पंद्रह और पंद्रह को आपको ऑट डेज का कॉन्सेप्ट पता है कि सिंपली सात से डिवाइड करके लिखना होता है तो सात से अगर आप डिवाइड करते हो तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है एक रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे आपको कहीं कोने में प्लस एक लिख लेना है प्लस क्यों मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कैलेंडर में 2004 से 2016 आगे की तरफ जा रहे हो अगर आप कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हो तो आपको प्लस ऑट डेज लिखना होता है राइट तो यहाँ पर प्लस वन हो गया अब ये तो हमने एक केस से इसको सॉल्व कर दिया अब हम दूसरा केस भी यहाँ पर यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा था दूसरा केस ये था कि जब आपके साल बराबर हों और डेट मंथ जो है ये आपके अलग अलग हों तब हम क्या करते थे तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे जो मंथ है उनको लिखने का प्रयास करते थे और उसमें भी हम देखते थे कि इन ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सबसे पहला मंथ कौन आता है साल में चाहे भले ही आपका कोई भी मंथ ऊपर हो कोई भी मंथ नीचे हो उससे मतलब नहीं होता था जो मंथ पहले आता था कैलेंडर में उसको हम लोग पहले लिखते थे और उसके बाद जहाँ तक पूछा होता था वहाँ तक हम जाते थे तो सेप्टेंबर इसमें पहले आता है कैलेंडर में तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर और दिसंबर यहाँ पर दिया गया है तो दिसंबर तक हम जाएँगे और भी हमने कुछ सीखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमने पहला मंथ लिया है उसका हमको जो बचे हुए दिन है उसको पहले लिखना होता था राइट तो बचे हुए दिन कितने हैं सितंबर में अब सितंबर आपको ये पता होना चाहिए कि कितने का महीना होता है तो अगेन मैंने बोला था इस इन चीज़ों को याद नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि जो जुलाई और अगस्त है यह आपका इकतीस इकतीस का होता है तो जुलाई अगस्त के जस्ट बाद ही आपका सेप्टेंबर है तो कुछ चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके चलन में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वो महीना है तीस का या इकतीस का तो सितंबर तीस का महीना इस वजह से तीस में से हम यहाँ पे चौबीस को घटाएंगे क्योंकि हमको बचे हुए दिन लिखने हैं यहाँ पे सितंबर के नीचे तो तीस में से अगर चौबीस को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाता है सिक्स और सिक्स खुद एक ऑट डेज ऑड डेज के फॉर्म में है राइट और ऐसे ही अक्टूबर में आपका आप जानते हो अक्टूबर में अब क्या आ जाएगा आपका अक्टूबर इकत्तीस का हो जाएगा और इकतीस का जो ऑड डे होता है वो कितना होता है वो होता है तीन तो यहाँ पे तीन ऑड डेज हो जाएंगे फिर नवंबर में दो हो जाएंगे क्योंकि ये तीस का महीना हो जाएगा और जो लास्ट मंथ आपका होता था वहाँ पर हम लोग जो दी हुई तारीख होती थी उसको लिखते थे और दी हुई तारीख यहाँ पर पच्चीस है लेकिन पच्चीस को भी हम जो भी हमारा सात से या छः से बड़ा हो जाता था नंबर उसको हम लोग ऑड डे के फॉर्म में लिखते थे तो यहाँ पर सात से अगर डिवाइड आप करते हो तो ये आपका कितना आपका आ जाता है तो सिंपली आपका चार रिमाइंडर आ जाता है तो चार ऑड डे हो जाएंगे बार बार आपको यहाँ पे भाग नहीं देना है जो छोटे छोटे आपके हैं भाग उनको आपको मन में ही कर लेना है राइट तो चार आपके ऑड डेज आ जाएंगे अब इनको सिंपली हमको जोड़ लेना है जैसा कि अब हम लोग पहले करते जाते आ, आ रहे थे तो टोटल जोड़ने पर यह छः तीन नौ दो ग्यारह और चार पंद्रह हो जाएंगे और पंद्रह को आप जानते हो कि आप कैसे लिख सकते हो ऑड डे के फॉर्म में एक अब हम देखते हैं कि क्या हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं मंथ वाइज क्योंकि हम यहाँ मंथ वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो दिसंबर से सेप्टेंबर तक हम लोग इसका मतलब यहाँ कैलेंडर में पीछे की तरफ आ रहे हैं दिसंबर से सेप्टेंबर राइट right? कैलेंडर में दिसंबर से सेप्टेंबर तो पीछे की तरफ आने का मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस वन लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि दोनों केस हमने सॉल्व किया एक बार डेट मंथ वाला एक बार साल वाला तो अब इन दोनों को हमको मर्ज कर देना है और इन दोनों में एक बार प्लस वन डे आया है और दूसरे में माइनस वन डे तो इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो प्लस वन और माइनस वन सिंपली जोड़ देना है आपको तो प्लस वन और माइनस वन हमारा हो जाता है जीरो इसका मतलब कोई भी ऑड डे यहाँ पे नहीं आया और अगर कोई भी ऑड डे नहीं आया तो अगर ये फ्राइडे था पच्चीस दिसंबर दो को तो चौबीस सेप्टेम्बर दो को भी ये फ्राइडे ही आएगा राइट तो फ्राइडे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें इतनी बतानी थी इस वजह से इतना टाइम लगा अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आप प्रैक्टिस में इसको ले लेते हो तो राइट right? बट ये आपका एक मेथड हो गया कि जब आपके दिन महीने और साल सब अलग अलग हो तब आप कैसे सॉल्व करते हो एक्चुअल में आप जब कैलेंडर उठा करके देखोगे तो पच्चीस दिसंबर दो को ये सैटरडे था और चौबीस सेप्टेम्बर दो को भी सैटरडे ही पड़ेगा तो ये मैं इसलिए आपको फ्राइडे लिया क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेफरेंस कैलेंडर है वो आपका कुछ भी यहाँ पे दिन दे सकता है ये जरूरी नहीं कि वो कैलेंडर से मैच करता हो जैसे कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है फ्राइडे नहीं है एक्चुअल में 25 दिसंबर 2004 को फ्राइडे नहीं है उस दिन सैटरडे है और यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हो तो फ्राइडे ही आ रहा है आंसर जबकि अगर सैटरडे आप लेकर के देखोगे तो सैटरडे ही आएगा राइट तो रेफरेंस कैलेंडर का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वहाँ पे दिन लिखा गया हो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट लिख भी दे या फिर ना भी लिखे आपको इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है उसके पीछे का रीज़न है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसी पे बेस्ड और इस क्वेश्चन से भी हम कुछ सीखेंगे यहाँ पे हम लोग लीप ईयर का थोड़ा और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर 25 जनवरी 2004 को संडे है तो 24 नवंबर 2016 को क्या होगा तो यहाँ पर भी सब कुछ अलग अलग है आपका दिन महीना और जो आपका साल है डेट मंथ और ईयर सब अलग अलग है अब हमको बताना है 24 नवंबर 2016 को क्या पड़ेगा तो अगेन वही चीज़ हम करने वाले हैं कि पहले हम लोग जो साल का डिफरेंस है वो पता कर लेते हैं और साल का डिफरेंस आप देख सकते हो बारह है राइट और साल का डिफरेंस अगर बारह है तो इसमें कितने लीप ईयर पड़ेंगे आप देख सकते हो पच्चीस जनवरी दो से चलना शुरू कर रहे हैं और नवंबर दो तक जा रहे हैं तो यहाँ पर जनवरी के बाद हम और आगे जाते जा रहे हैं तो फरवरी भी आएगा इसमें और फरवरी अगर आएगा तो 2004 जो है वो आपका लीप ईयर में काउंट होगा राइट क्योंकि फरवरी आ रहा है इसमें और ऐसे ही करते करते जब 2016 में हम जा रहे हैं तो उसके पहले 2004 के बाद 2008 आपका लीप ईयर आएगा फिर 2012 आएगा चार साल बाद लेकिन जैसे ही सोलह आता है वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर में काउंट होगा तो अगेन हम देख सकते हैं कि फरवरी को ये पार करते हुए नवंबर में पहुंचा है 2016 में तो ये भी आपका लीप ईयर में काउंट होगा तो टोटल आपके चार लीप ईयर हो गए तो यहाँ पे हमको सिंपली चार ऐड कर देना है और ये हो जाएगा आपका 16 और 16 का मतलब ऑड डे के फॉर्म में ये होता है आपका दो अब यहाँ पे कैलेंडर में हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस दो ऑड डेज हो जाएगा ठीक है तो इसको कहीं कॉर्नर में आप प्लस टू करके लिख लीजिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा डेट एंड मंथ वाला था कि यहाँ पे 25 जनवरी है और 24 नवंबर है तो अगेन हम हमको ये मतलब नहीं है कि जनवरी नीचे लिखा गया है ऊपर हमको स्टार्ट करना होता है हमेशा कैलेंडर में जो पहला महीना आता है पहले मतलब आता है तो यहाँ पे जनवरी पहले आएगा बाद में नवंबर तो जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर और नवम्बर तक राइट अब यहाँ पर हमने देखा था कि जनवरी में जो बचे हुए दिन होते हैं उनको हमको लिखना होता है और कितने बचे हुए दिन हैं तो जनवरी इकतीस का होता है सबको पता है और इकतीस में से अगर आप पच्चीस को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका तो ये आपका आ जाएगा सिक्स और ये पहले से ही ऑड डे में है राइट अब फरवरी का यहाँ पे मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ यही तो आपको इसमें समझाना है बाक़ी मार्च का अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी के बाद मार्च भी आपका इकतीस का होता है तो तीन ऑट डेज दो ऑट डेज तीन ऑड डे उसके बाद दो फिर तीन जुलाई अगस्त दोनों इकतीस इकतीस के होते हैं तो तीन फिर से दो फिर से तीन और नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट का होता है वो दी हुई तारीख और दी हुई तारीख आपका चौबीस है लेकिन हमको टोटल चौबीस नहीं लिखना है सात से डिवाइड करके देख लेना है कितना इसका सेसफल आता है तो ये आपका आ जाएगा तीन तो यहाँ पर आप लिख दोगे तीन राइट तो ये आपका हो गया तीन अब इसको हमको सिंपली ऐड करना होता है लेकिन अभी फरवरी हमने छोड़ा है तो देखिए यहाँ पे फरवरी हमने जो छोड़ा है उसको हम लोग ऑलरेडी साल वाले में काउंट कर लिए हैं राइट यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो 2004 है वो लीप ईयर है और लीप ईयर की वजह से यहाँ पे आप सोचोगे कि जो फरवरी है वो तो उनतीस की हो जाएगी और अगर उनतीस की हो गई तो हम सात से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है एक एक और डेज और यहाँ पर आप एक लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये जो 2004 का लीप ईयर वाला जो 29 दिन है उसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 2004 में काउंट कर चुके हैं जब हम पहले वाला मेथड सॉल्व कर रहे थे राइट तो इस वजह से यहाँ पे आपको फरवरी को अब कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे जीरो लिखना है राइट यहाँ पे आपको फरवरी को काउंट नहीं करना है यहाँ पे जीरो ऑड डेज होंगे अट्ठाईस ही दिन होगा क्योंकि राइट तो अब यहाँ से हम लोग इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा छः तीन नौ दो ग्यारह तीन चौदह दो सोलह तीन उन्नीस तीन बाईस दो चौबीस चौबीस तीन सत्ताईस सत्ताईस और तीन तीस तीस आ गया आपका तीस का मतलब होता है अगर आप इसको ऑट डे में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका होता है सिंपली दो दो ऑट डेज और यहाँ पे कैलेंडर में हम लोग आगे की ही तरफ जा रहे हैं जनवरी से नवंबर राइट आगे की तरफ जाने का मतलब प्लस टू और प्लस टू का मतलब यहाँ पे भी प्लस टू आ गया और पहले केस से भी प्लस प्लस टू आ गया तो इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो टू प्लस टू टोटल फोर हो जाता है इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो संडे गिवन है उसमें हमको क्या करना है प्लस फोर कर देना है और प्लस फोर कर दोगे तो आप देख सकते हो संडे के बाद आपका क्या आ जाएगा मंडे ट्यूजडे वेनसडे और थर्सडे राइट तो यहाँ पे थर्सडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये भी हमारा रियल कैलेंडर से लिया गया है ताकि आप वेरीफाई कर सको कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है तो इस तारीख को संडे था और चौबीस नवंबर दो को थर्सडे था तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब जब इतना कुछ हम लोग सीख ही लिए हैं तो अब हम लोग अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था राइट जब हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे उस तारीख को कौन सा दिन था अगर ये आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे अगर ये नहीं आता है तो देखिए एग्जाम में आपका एक नंबर छूट जाता है राइट जबकि ये अब आप सॉल्व कर सकते हो इतना कुछ सीखने के बाद कर सकते हो यहाँ पर जैसे हम लोग रेफरेंस कैलेंडर का यूज़ कर रहे थे यहाँ पर अब रेफरेंस के तौर पर हम आज की डेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आज की डेट आपको पता होगी कि आज कौन सा दिन है और कौन सा तारीख है नहीं पता होगा तो भी आप अपने एडमिट कार्ड पे देख सकते हो कि एडमिट कार्ड जो आपका होता है उसमें लिखा होता है दिन वैसे तो आजकल एडमिट कार्ड भी लोग ले लेते हैं एग्ज़ाम में बट फिर भी आपको आसपास का ज़रूर दिन पता होगा कि अभी जस्ट कुछ बीता था जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही हुआ था वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अक्सर करके इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो आपका संडे के ही दिन होता है राइट अक्सर जो इनका शेड्यूल किया जाता है ऐसे तो वो संडे को ही किया जाता है तो इस तरीके से आपको कुछ तो पता होगा आसपास का जो दिन और तारीख़ है तो अगर आपको आज का दिन और तारीख पता है तो आप पता कर सकते हो पंद्रह अगस्त उन्नीस को कौन सा दिन था तो चलिए फिर आज का जो डेट है उसको हम लोग रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं और आज है आपका फोर्टीनथ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी राइट और हमको निकालना है पंद्रह अगस्त उन्नीस को कौन सा दिन था और आज का जो दिन है वो हमको पता है कि थर्सडे है आप जब भी इसको सॉल्व कर रहे होगे जब भी आप इसको देख रहे होगे तो आप अपना वाला तारीख लेना जो जो जो, जो आज का दिन होगा राइट तो थर्स डे आज हमको पता है कि थर्सडे आप कैलेंडर में देखोगे तो चौदह से दो को क्या है थर्सडे है तो अगेन हम इसको सॉल्व करने के लिए वही कॉन्सेप्ट डिफरेंस पहले पता कर लेते हैं तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे यहां पे सिंपली जो डिफरेंस है वो आपका है तिरपन इधर और तेईस इधर तो सेवेंटी सिक्स क्योंकि छिहत्तर साल कंप्लीट हो गए हैं आजादी को राइट सतहत्तरवां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे अब हमको क्या करना है इनके बीच जो लीप ईयर हैं उनको काउंट करके लिख देना है उनको जोड़ देना है तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगा इसी वजह से इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने के लिए आप उससे सॉल्व कर सकते हो लेकिन यहाँ से भी आंसर आ सकता है राइट यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना अभी तक जो आपने यूज़ किया है रेफरेंस कैलेंडर उसी के तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है तो छिहत्तर तो हो गया इनके बीच का लीप ईयर काउंट कर लेते हैं सैंतालीस के बाद जो लीप ईयर आएगा वो पहला लीप ईयर आएगा फोर्टी ठीक है अड़तालीस वहाँ उन्नीस उसके बाद जो आपका आएगा फिर ऐसे ही फिफ्टी ठीक है फिफ्टी और उसके बाद आपका आ जाएगा सिक्सटी सिक्सटी फोर सिक्सटी एट सिक्सटी एट के बाद सेवेंटी टू सेवेंटी सिक्स एट्टी एटी एट्टी फोर एट्टी एट नाइन्टी टू नाइन्टी सिक्स टू थाउजेंड भी आपका लीप ईयर है सेंचुरी ईयर है लेकिन चार सौ से डिविजल है उसके बाद आपका दो हज़ार चार हो गया फिर आठ हो गया बारह हो गया सोलह हो गया और बीस हो गया तो ये जो साल हैं वो आपके लीप ईयर हैं ठीक है आप इनको एक बार जल्दी से लिख लोगे उसके बाद इनको काउंट कर लेना वैसे आप चार से डिवाइड करके भी काउंट कर सकते थे बट वो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कभी कभी गलत हो जाता है राइट तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस तो टोटल उन्नीस यहाँ पे आपके लीप ईयर हैं राइट और इनको अगर आप जोड़ दोगे तो ये छः और नौ यहाँ पे पंद्रह सात एक आठ एक और नौ तो टोटल नाइन्टी फाइव आ गया इसको आप ऑट डेज में कन्वर्ट करके लिख लोगे तो वो आपका हो जाएगा सिंपली वो आपका हो जाएगा फोर ठीक है टोटल चार सेस आ रहा है तो यहाँ पे चार आपका क्या हो जाएगा ऑड डेज और चार को आपको यहाँ पे कोने में लिख लेना है ये आप जो कैलेंडर है उसमें पीछे की तरफ जा रहे हो ठीक है तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा राइट यहाँ पे आप कोने में माइनस फोर करके लिख लोगे राइट यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस फोर तो ये आपने पहला पड़ाव पार किया उसके बाद आपको चौदह सेप्टेम्बर पंद्रह अगस्त इन दोनों को देखना है और इसमें आपका जो कैलेंडर में है वो पहले क्या आता है वो लिखना होता है तो पहले अगस्त आता है अगस्त हमने लिख लिया फिर आपका सितंबर आता है बस दो ही महीने थे तो पहला जो मंथ है उसका हमको बचा हुआ दिन लिखना होता है बचा हुआ दिन कितना है तो अगस्त जो आपका होता है वो इकतीस का होता है जुलाई अगस्त दोनों इकतीस इकतीस के तो इकतीस में से अगर पंद्रह जाता है तो वो आपका कितना आता है तो सोलह आ जाएगा ठीक है तो सोलह को अगर अगर आप लोग और डेज में लिखते हो तो वो कितना आ जाएगा टू राइट और यहाँ पे जो अंतिम महीना होता है उसका दी हुई तारीख लिखना होता है चौदह और चौदह का अगर आप लिखते हो और डेज में तो जीरो आ जाएगा इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो ये दो आ जाएगा और कैलेंडर में आप सितंबर से अगस्त पीछे की तरफ आ रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस टू आपको लिखना है अब इन दोनों को हमको मर्ज कर देना है ठीक है तो माइनस टू और माइनस फोर कितना होता है माइनस सिक्स अब अगर ये माइनस सिक्स होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का जो दिन है वो क्या है थर्सडे है और माइनस सिक्स का मतलब आप छः दिन पीछे जाना है तो माइनस सिक्स लिखने से बेटर है कि आप प्लस वन कर दो तो भी वही आंसर आएगा हम लोग देख चुके हैं इसको तो थर्सडे में प्लस वन अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाता है फ्राइडे राइट तो फ्राइडे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हम जिस दिन आज़ाद हुए थे पंद्रह अगस्त उन्नीस को उस दिन आपका शुक्रवार था राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपसे कोई भी पर्टिकुलर डेट पूछता है कि उस तारीख को कौन सा दिन है तो भी आप निकाल सकते हो बिना किसी कोड को बिना किसी चीज़ बिना कोई रूल वगैरह याद किए राइट तो ये आपका एक तरीका हो गया लेकिन अभी भी एक स्टैंडर्ड मेथड है इसको सॉल्व करने का ये तो मैंने रेफरेंस कैलेंडर पे बस बता दिया कि अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा बट सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है कि अब सॉल्व नहीं होगा राइट तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत जल्दी ही बस पाँच मिनट में इसको देख लेते हैं एज कैलकुलेटर कि अगर आपको पता करना है कि आप कितने साल कितने मंथ और कितने दिन के हुए हैं तो कैसे पता कर सकते हैं कभी कभी फॉर्म में आपने देखा होगा कि पूछा जाता है ठीक है मतलब दिया जाता है कि आप इस तारीख तक कितने साल के हो गए हैं अगर आप इससे ऊपर हो चुके हो तीस साल से सत्ताईस साल से तो आप फॉर्म नहीं भर सकते ठीक है तो वो कैसे दिन पता करा जाता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ठीक है कैलकुलेटर से आप एज कैलकुलेटर आप सिंपली इसको देखोगे गूगल करके तो वो बता देगा बट फिर भी अगर कभी बाई द वे आपसे एग्जाम ऐसा पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल मेथड है सिंपली हम जो बचपन में घटाते थे ठीक है जोड़ घटाना वहीं करना है हमको यहाँ पर तो अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता है राइट आपके डेट ऑफ बर्थ से यह पूछे या फिर किसी भी दिन से पूछे किसी दो आ, दी हुई तारीख के बीच क्या पूछे कि, कि कितना साल कितना मंथ और कितना दिन हुआ है तो आप निकाल सकते हो जैसे यहाँ पे Uh, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर है दस पाँच उन्नीस सौ निन्यानवे और वो कह रहा है कि एक एक दो हज़ार तेईस तक ये कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है इन चीज़ों को इस फॉर्मेट में लिख लेना है जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमेशा नीचे आपको लिखना है मतलब यहाँ पर मेरे कहने का कि ये डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो बहुत पुराना है ठीक है बहुत पीछे के हैं ये उन्नीस सौ निन्यानवे का है और जो आपसे पूछ रहा है वो दो हज़ार तेईस का है तो हमेशा बड़ा वाला ऊपर ही लिखना है ठीक है बड़ा वाला मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका रेफरेंस है उसको ऊपर लिखना है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे लिखना है ठीक है क्योंकि ये आगे की तारीख है राइट तो अब ऐसा आपने लिख लिया और फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए कि पहले साल उसके बाद महीना उसके बाद ये आपका दिन ठीक है तो इस तरीके से अगर आप इसको लिख लेते हो तो आपको अब आप क्या करना है सिंपली इसको घटा देना जैसे बचपन में घटाते थे घटाने का भी तरीका भी वहीं होगा जहाँ पे आपका एक है और ये दस है तो ये आपका एक में से दस घटेगा नहीं तो ये क्या करेगा यहाँ से उधार लेने जाएगा जब उधार लेने जाएगा तो यहाँ पे तो मंथ है अब महीना कहेगा कि मैं आपको एक दिन या दो दिन उधार नहीं दे सकता मैं आपको जब भी दूंगा तो बल्क में उधार दूंगा ठीक है बल्क का मतलब कि यहाँ पे एक महीना दूंगा राइट तो ये अपना एक महीना इसको अगर दे देता है तो ये जो पहला महीना इकतीस का है तो इकतीस इसके पास आ जाएंगे ठीक है इकतीस दिन और इकतीस दिन अगर आ जाते हैं तो इकतीस और एक मिल कर के ये बत्तीस हो जाते हैं और बत्तीस में से जब आप दस घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा बाईस राइट लेकिन अब ये जो एक महीना अपना इसको उधार दे दिया था अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा जीरो जीरो हो गया राइट जीरो जीरो मंथ तो ये भी क्या करेगा जीरो जीरो देखिए मंथ हो गया तो पाँच महीने में से घट नहीं पाएगा ये ठीक है जब आप घटा रहे हो दिन को तो दिन से ही घटाइए मंथ को मंथ से ही घटाना है तो अब जीरो से आप पाँच महीने को नहीं घटा सकते तो ये जाएगा फिर अगेन साल के पास उधार लेने और साल भी कहेगा कि नहीं नहीं मैं भी बहुत बड़ा डील करता हूँ मैं आपको महीने उधार नहीं दे सकता मतलब एक एक महीने उधार नहीं दे सकता मैं बल्क में महीने उधार दूंगा तो ये अपना पूरा एक साल देगा ठीक है तो एक साल में टोटल बारह महीने होते हैं तो ये अपना एक साल इसको उधार दे देगा तो बारह महीने इसके पास आ जाएंगे कुछ नहीं था जीरो जीरो था अब बारह महीने आ गए और बारह में से आप पाँच आराम से आप घटा सकते हो तो बारह में से पाँच जाएगा तो आपका हो जाएगा ये सात ठीक है सात हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2022 हो चुका है क्योंकि एक साल अपना इसने उधार दे दिया है तो दो हज़ार जो बाईस है उसमें से आपको बस सिंपली उन्नीस सौ निन्यानवे को क्या करना है घटा देना है राइट तो ये कितना आ जाएगा आपका तो ये आपका आ जाएगा सिंपली तेईस ठीक है आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बाईस इधर और एक साल इधर तेईस तो टोटल तेईस साल ये हो गया और सात महीना बाईस दिन मतलब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ दस पाँच उन्नीस है वो एक एक दो तेश तक तेईस साल सात महीने और बाईस दिन का हो गया होगा राइट यहाँ पे सिंपली आपको घटाना था राइट और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ है बसरते आपको ध्यान देना है कि आप ऐसे भी कर सकते थे एक एक दो हज़ार तेईस मतलब काफ़ी जगह पे आपको ऐसे भी बताया जाएगा तो आप किसी तरीके से लिख सकते हो लेकिन ये तरीका मुझे ठीक लगता है मतलब इसमें आपको केवल सिंपली घटाना है और कुछ नहीं करना इधर उधर कुछ नहीं करना है लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम आपको तब होती है जब यहाँ पर लेटर सपोज कि एक दो 2023 तक की बात करें फरवरी का तो क्या इसमें कोई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं एक बार जैसे कि यहाँ पे एक दो 2023 तक का पूछा है और 10 पाँच उन्नीस सौ निन्यानवे अगेन आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वही है राइट right. तो यहाँ पे जब एक में से आप दस को घटा रहे थे तो नहीं घटा तो ये जाएगा उधार लेने अब यहाँ पे तो जीरो टू लिखा है मतलब ये फरवरी का महीना क्या है? उधार देगा या जनवरी का महीना देगा या कौन सा महीना उधार देगा मतलब ये इकतीस दिन देगा इसको या फिर तीस दिन देगा या फिर अट्ठाईस या उनतीस दिन देगा लीप ईयर पर बेस्ड तो देखिए कैलेंडर का ये एक अपना अलग ही इसका तरीका है कि यहाँ पे आप लीप ईयर नहीं देखते हो कि ये दूसरा महीना है तो जब ये उधार लेगा तो इसके पास केवल 28 या फिर 29 दिन ही आएंगे वो डिपेंड करेगा लीप ईयर पे नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे इकतीस दिन ही हमेशा उधार देता है ये ठीक है कैलेंडर जब आप पढ़ रहे हो यहाँ पे अगर आप एज कैलकुलेटर की बात करोगे तो एज कैलकुलेटर में आपको हमेशा जो मंथ है वो इकतीस का ही मानना है और जो साल है वो हमेशा नॉर्मल ईयर आपको लीप ईयर कुछ भी मानो साल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन मंथ जो है वो आपको इकतीस का ही मानना है तो जैसे ही ये इकतीस उधार देता है तो इसके पास अगेन बत्तीस हो जाता है और बत्तीस में से जब आप दस घटाते हो तो ये आपका बाईस आ जाएगा ठीक है इकतीस उधार दिया एक पहले से ही था तो बत्तीस में से दस गया बाईस और यहाँ पे आपका जो मंथ है वो अब हो चुका है जीरो वन मतलब दो महीने में से एक महीना तो ये दे दिया अब इसके पास एक महीना बचा अब एक महीने में से आप पाँच महीने को घटा नहीं सकते तो फिर से ये जाएगा साल के पास और साल के पास जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा तो टोटल बारह महीने देगा ठीक है तो बारह ये और एक महीना पहले से तो तेरह महीना तेरह में से पाँच गया ये आपका हो जाएगा आठ राइट अब यहाँ पर इसके पास दो मतलब इतने ही साल बचे हैं क्योंकि ये उधार दे दिया था अब 2022 में से उन्नीस सौ निन्यानवे को अगर आप घटाते हो तो ये आ जाएगा 23 तो ये यहाँ पे अब जो आप एज देखोगे तो वो 23 महीना सॉरी 23 साल 8 महीना और 22 दिन आएगा राइट तो ये आपका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सवाल हो सकते हैं कि अगर लीप ईयर पर बेस्ड होता तो ज़्यादा बेटर आंसर देता मतलब यहाँ पर अगर ये अट्ठाईस ही दिन देता तो ज़्यादा बेटर होता या उनतीस दिन देता अगर लीप ईयर होता तो ज़्यादा बेटर होता तो ऐसा नहीं है अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कितने साल के हो ठीक है सिंपली तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं पच्चीस साल का हूँ लेकिन उसमें आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं इक्कीस नॉर्मल ईयर का हूँ और चार लीप ईयर का हूँ ऐसा आप नहीं बोलते हो आप सिंपली बोलते हो पच्चीस साल के हो या फिर आपको कोई पूछता है कि आप कितने साल कितने मंथ के हो तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं तेईस साल और सात महीने का हूँ लेकिन तेईस साल में भी सात जो महीना है उसमें पाँच महीने या चार महीने आपके इकतीस के हैं और तीन महीने तीन महीने तीस के हैं आप ऐसा नहीं बोलते हो आप सिंपली बताते हो कि मैं इतने साल इतने महीने इतने दिन का हूँ इस वजह से आप देखोगे तो ऐज कैलकुलेटर में जो आपका यहाँ पे मंथ है वो हमेशा इकतीस का ही लिया जाता है आप किसी भी सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करोगे या सॉफ्टवेयर से इसको आ, देखोगे ऐज कैलकुलेट करके तो वो जो भी लेगा वो इकतीस ही लेगा ठीक है तो आप इनका एक बार सोल्यूशन देखना एज कैलकुलेटर से क्या वो जो मैंने कराया वहीं आ रहा है या फिर अलग आ रहा है राइट तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा राइट अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो उसको ज़रूर एक बार बताएं चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय